हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज दूसरा व्लॉग है। कल का व्लॉग शाम को डालने के बाद रात में बिल्कुल नींद ही नहीं आई। सुबह के 4:30 बज रहे, अभी तक बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। रात भर यही सोचते रहे कि अब आगे क्या बनाएंगे, किस तरह से बोलेंगे, क्या करेंगे, यही सब सोचते रहे रात भर। नींद कोशिश बहुत करी सोने की, नींद बिल्कुल नहीं आ रही। 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग कर ली, ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, लेकिन नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। सब लोग सो रहे हैं, सोच रहे हैं, अब यही सोच रहे हैं कि हम ना सोएं, ना सीधे 10-11 बजे तक आराम से जगेंगे, उसके बाद 11 बजे सो जाएंगे तो 3 बजे तक सो लेंगे बढ़िया, तो नींद का कोटा भी हो जाएगा, मस्त व्लॉग भी बन जाएगा थोड़ा बहुत सुबह का। तो आज सोच रहे हैं सुबह 6:30-7 बजे तक बढ़िया पार्क में जाके टहल के आते हैं अच्छे से। बहुत समय हो गया, रात भर पता नहीं यार वैसे पढ़ने के लिए जगते तो सो जाते, लेकिन अब नहीं नींद आ रही, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। चलो चलते हैं पार्क में, अभी थोड़ी देर में 4:30 बज गए, जल्दी जाएंगे, कुत्ते दौड़ा लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो बहुत देर सोचने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि अभी बाहर नहीं जाएंगे, अभी चलते हैं छत पे। आज घर का सनराइज़ देखते हैं, उस दिन बनारस का सनराइज़ देखा था, आज घर का सनराइज़ देखेंगे। चलो छत पे चलते हैं फटाफट, लाइट कर दे बंद, नहीं तो क्या हवा चल रही है यार, गजब की हवा है, चिड़ियों की आवाज आ रही है भाई, बिल्कुल साफ साफ। इतने समय बाद कुछ दिख नहीं रहा, बहुत ज्यादा रात है, अभी 5 बज गया है, फिर सनराइज आपको दिखाएंगे। उधर कहीं इधर से कहीं से होता है, लास्ट टाइम हमने देखा था इधर से कहीं से। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के 10 बज चुके हैं, सो के उठ गया भाई अभी अभी, और आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, देखो कौन सी सरकार बनती है, सब लोग उसी में लगे हुए हैं, तो किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हम कितने बजे उठ रहे हैं। यार सुबह वहाँ ऊपर से आ रहे थे, ऊपर जब गए थे तो भयंकर अच्छी हवा चल रही थी, और थोड़ी देर बाद भयंकर सर्दी लगने लगी। जब सर्दी लगने लगी तो मैं भाग आया नीचे, नीचे आया थोड़ी देर लेटा सो गया, वो लग रहा था कि सो जाएंगे सो जाएंगे। रात में नींद नहीं आ रही थी, सुबह 5 बज गया था, 5 साढ़े 5 बजे सो गए थे। अब सीन ये है कि ब्रश व्रश कर चुके हैं, बढ़िया चाय पी रहे हैं, आगे तो नहा धो के रेडी हो गए। हाँ तो रुक जाओ रुक जाओ, नहा धो के आराम से रेडी हो गए, खाना पीना भी खा लिया, मम्मी के साथ जा रहे हैं नानी के यहाँ गांव। मम्मी चलो 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 चले, मैं चलो पापा जाते हमें हेलमेट ले लेना। अरे यार बाइक साफ करने रुको 2 मिनट। यार ये रास्ता इतनी जरा सी बन जाए तो बड़ा बढ़िया हो जाए रास्ता, लेकिन चलो ऑफ रोडिंग थोड़ी सी छोटी सी मिट्टी वाली, जो होलिका दहन के लिए तैयारियां चल रही ना, कीड़े बहुत हैं। हाँ बेर कितने लगे हुए हैं, पके पके। Thank you.
मामी मामी जय माता की, मामी जय माता की। तुम हिना के अभी फोन चला रही हो? हाँ हाँ, क्या मामी बतियाओ थोड़ी देर, मामी से बतियाओ थोड़ी देर, बातें करें तब तो। मामी देखो लेने गई है ना, पानी पिया रही है। पानी पिया? हाँ, आजकल ये फोन का जमाना, सब लोग फोन पे ही लगे रहते हैं। फोन में ना लगे रहो सब लोग। बताओ। देख देखो मामी बढ़िया पेड़ा लेकर आई है, गजब के पेड़े हैं। खाइए लो मम्मी। आहा, बहुत दिन बाद पेड़ा खाया। बगिया जाने का रास्ता। गोबर के उपले बहुत शांति रहती है इधर, पूरा चारों तरफ खेत ही खेत। बढ़िया देखो, होलिका दहन की तैयारी के लिए गोबर के कंडे बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे बन चुके हैं। बाबा जी आ रहे हैं सामने से। कैमरा है, कैमरा। काफ़ी शांत रहता है इधर, अच्छी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी हवा, बिल्कुल सुबह शाम तक बहती रहती है। अभी समय लोगों की लाही और जो गेहूँ है उसके पकने का टाइम चल रहा है, लाही तो कट चुकी हुई। इसी को लोग सरसों बोलते हैं, ये जो लाही है कटी पड़ी है, इसी से सरसों निकलेगी और रसीस तेल बनेगा, सरसों का तेल। जिनका गेहूँ कट गया है उनका भूसा इकट्ठा किया जा रहा, जो कि जानवरों के खाने में काम आएगा। अच्छा लग रहा, थोड़ा सा धूप भी है, हवा लेकिन ठंडी ठंडी चल रही। देखो कैसे देख रहा, चल बस बस। पंचदेव कंचनाश्रम, ये हमारे मामा जी का नाम लिखा हुआ है। बहुत ही शांत वातावरण रहता है इधर, बिल्कुल आपको देखने में लग रहा होगा ये बहुत पुराना कुआं है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो इसी, जब यहाँ आते थे तो इसी कुएं से पानी निकाल के हम लोग बढ़िया यहाँ दोपहर में पूरा बैठते थे, खाते पीते थे। बहुत अच्छा पानी था इसका, अब तो शायद नहीं है इसमें पानी, लेकिन बहुत अच्छा लगता। अभी तो देखो पतझड़ जैसा पूरा चल रहा है सीज़न, पतझड़ की वजह से पूरी नीम की पत्तियां सब पूरा ज़मीन में आ गई हैं। लेकिन कभी भी आओ किसी भी टाइम यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे ब्रह्मदेव बाबा हैं, यहाँ पे ये स्टेज है, कोई भी कार्यक्रम करना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बाबा की पीछे मामा ने तालाब खुदवाया है, पहले तालाब खुदवाया क्या, वो पहले ही से है लेकिन अब वो उसको थोड़ा गहरा किया गया है, क्योंकि खेतों की मिट्टी बह बह के वो पूरा भर गया था, तब उसको थोड़ा खुदवाया गया ताकि दोबारा से पानी, जब बारिश हो तो दोबारा स्टोर हो सके। अभी जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है तो उससे पानी स्टोर हुआ है, लेकिन घास काफ़ी उगाई है। अब ये गर्मियों में जब बारिश होगी तो ये सब साफ़ करवा के दोबारा से पानी भरवाया जाएगा, या बारिश का पानी जो इकट्ठा होगा यहाँ पे, अभी तो ये सब काफ़ी गंदा पानी है। इसी का पानी का इस्तेमाल करके बाद में फिर इरिगेशन किया जाता है इधर पे। तो कोई भी आके यहाँ पे रह सकता है, जैसे भी मतलब जिसका भी इच्छा है आइए आराम से, बिल्कुल दोपहर में बहुत अच्छा लगता है। पूरा लगभग गाँव के लोग यहाँ पे आके अपनी दोपहर का मज़ा लेते हैं। आपको बाबा के दर्शन करवाते चल के।
जहाँ पे दरवाजे बंद हैं, खुले रहते हैं, आराम से कोई भी आए पूजा कर सकता है। जय रानी बाबा। ये देखो फूल किसी ने बहुत बेहतरीन तरीके से सजा के रखे हैं। इन्होंने कुछ जला रहे हैं उधर पे, वहाँ खेत के सूखे जो पौधे हैं वो जला रहे हैं, लेकिन खेत में ही जला रहे हैं तो जलाना नहीं चाहिए इसे। ऐसे खेत में जलाना नहीं चाहिए, कहीं जाके अगर इसका इस्तेमाल करके, जो जैसे लोग उसमें चूल्हे में खाना बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे खेत में जला देते तो इससे अब हो सकता है कुछ उनको इस तरह का लाभ मिलता हो। खैर हम लोग बाबा के दर्शन करते चल के। जय हो बाबा की। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो यही है हमारा बगीचा, मामा ने काफ़ी अच्छा इसको सही करके रखा है। वैसे पहले गांव में बहुत सारे बगीचे थे, लेकिन अब सबने पेड़ कटवा के अपना खेत वेत कर लिया है उस पर, लेकिन हमारा पूरे गांव का ये इकलौता बगीचा जहाँ तक बचा है। और देखिए दूर दूर तक पहले ये सब आसपास सारे बगीचे हुआ करते थे, बहुत से बगीचे थे इधर, लेकिन अब सब ने पेड़ कटवा दिए या सूख गए जो भी, उन्होंने अब वहाँ पे सब जगह पे खेती होती है चारों तरफ। आप जहाँ भी देखेंगे वो दूर वो कहीं पे है कुछ पेड़ बगीचे जैसे, लेकिन वो बगीचे सुना नहीं है कि इधर यही एक इकलौता बगीचा बना बचा है जिसमें आम के पेड़ नीम के पेड़ बहुत सारे हैं। जब तो गर्मी में आओ तो बहुत ठंडक महसूस होती है, हर जगह लू चलती है, यहाँ पर बहुत ठंडा लगता है। हनुमान जयंती के दिन तब यहाँ पे एक बड़ा सा विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है, जो कि पूरे गांव वाले मिल के करते हैं, लेकिन हम लोग सब लोग उसी में आते हैं और वह तब फिर कुछ ना कुछ यहाँ कार्यक्रम होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पूरा गांव आके यहाँ बैठता है एक जगह, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए, ये आपको शहर में जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी। मज़े काफ़ी देर बैठने के बाद बहुत अच्छा लग रहा, काफ़ी लेट हो रहा है, अब चला जाए। मम्मी का फ़ोन आ चुका है, मम्मी बुला रही, बोल रही चलो घर चले, सब लोग चलते हैं मम्मी को लेने। उसके बाद बाइक वहीं खड़ी थी तो वहीं पे पैदल पैदल जा रहे हैं, मम्मी को लेंगे और फिर घर जाएंगे। फिर देखते हैं आगे, शाम को सागर के साथ प्लान है कुछ करने का। देखिए आप, सागर का भी फ़ोन आ रहा। क्या क्या चाहिए? बस बस, बाय 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 बाय। लोगों ने तार लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पे गाय और जो बैल हैं आवारा, वो खेतों को बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए ये नुकीले तार लगाए गए हैं। क्या कर सकते हैं, किसान लोग भी मजबूरी है लगाना, रात रात भर में 100-100, 200-200 गायों का झुंड आता है और काफ़ी खेत नुकसान कर देता है उनका, तो लगाना ज़रूरी है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। जा रहे मामी, जय माता की। ठीक चलो सुमन, तुमका दिन रहे मामी। जय माता की। ठीक जय माता की। भाई हमको खावा पिया नहीं था, भाई खा तो लिया, कपड़ा पर भूल जाती है, बस तक बताते रहे। बाय 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 बाय। मम्मी बाहर रुकने को बोल गई हैं, एक कंडे ले जो होली में काम आएंगे उसके लिए, अब ऊपर बांध के पहुंचाना है इसको, इसके लिए बाहर रुके हैं यार, आ जाएं तो फिर। आओ नीचे, आओ नीचे, रुको रुको। हेलो, ये देखो देसी जुगाड़। तो इसी के साथ दोस्तों व्लॉग की एंडिंग करते हैं, और कहीं बाहर शाम को अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया है, शायद सागर भी परेशान हो गए, इंतज़ार करते करते सो गया, अब वो सो के लेट उठा तो हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं।
हमने कहा चलो ठीक है। आपको ये एक वीडियो कैसी लगी अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें, और चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जय माता की, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।